Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. मेरा अनुमान तो इससे विपरीत निकला, अल्प मात्रा में नहीं अपितु गजानन तो संपूर्ण क्षीर सागर को ही पिए जा रहे हैं। जितनी इच्छा हो उतना पान करो भांजे, किंतु ये भी स्मरण रखो कि तुम्हें प्रतियोगिता में भी भाग लेना है। मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहता भांजे, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि शीर सागर का शीर पीते पीते नित्रा से प्रभावित होकर प्रतियोगिता में तुम्हारी गति ना धीमी पड़ जाए। दया कीजिए दयानिधान, गजानन को रोकिए, अन्यथा यदि उन्होंने एक बूंद भी नहीं छोड़ी तो मैं कहीं सदा के लिए लुप्त ना हो जाऊं। जितनी इच्छा है उतना पान करो गजानन, परंतु यह समझकर कि किसी भी वस्तु की अधिकता उचित नहीं है। मुझे और मूषक जी को यहाँ थोड़ा दुग्ध पान करने की अनुमति दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसमें भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, जितना चाहो दुग्ध पान करो। मैं तुम्हारी लीला समझ गया पुत्र, चतुराई में तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है चतुरानंद गजानन। अपनी चतुराई से तुमने मुझे समझा दिया है गजानन कि आत्मविश्वास की अधिकता से उत्पन्न अहंकार के कारण किसी को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए अब रुक जाओ और शीर सागर को सुरक्षित करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद गजानन। मैं तो वैसे भी रुकने वाला था मामा जी। विलंब बहुत हो गया है भांजे, अब शीघ्र पुनः प्रतियोगिता का भाग बनो। अरे हाँ मामा जी, मैं तो भूल ही गया था, किंतु मुझे विश्वास है शीर सागर के दुग्ध से मेरे मूषक जी ने और भी शक्ति प्राप्त की होगी और इससे वो इस प्रतियोगिता को समय के पूर्व ही पूर्ण कर लेंगे। अच्छा अब मैं प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। प्रतीत होता है कैलाश अब दूर नहीं, इसका अर्थ है अब हम इस प्रतियोगिता के अंतिम पड़ाव में हैं। किंतु विजय से तो आप दूर ही रहेंगे कुमार कार्तिकेय। मैं आपको विजयी होने नहीं दूंगा। रवत अन्य देवता का कैलाश में होने वाला है आगमन, किंतु गजानन ने तो अभी अभी प्रयाण किया है क्षीर सागर से। अब ऐसी स्थिति में जहां प्रतियोगिता अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में गजानन समय की पूर्ति कैसे करेंगे? नारद आश्चर्यचकित। गजानन तो शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं। अब कैलाश की इस यात्रा को जो भी देवता सर्वप्रथम पूर्ण करेगा वही कहलाएगा प्रथम पूजनीय। Yeah.
अंतिम चरण की दौड़ में सब जो भागे कार्तिकेय और सुमुख हुए सबसे आगे इंद्र देखे अचरज से ऐसे तीव्र धावक कौन विजयी होगा स्कंद या विनायक जय गणेश नारद आश्चर्यचकित अब तो गजानन सर्वप्रथम हो चुके हैं क्या हुआ भ्राता गजानन तुम अचानक रुक क्यों गए जी माँ के ये पुष्प तो हमारे लिए प्रसाद के समान है इनको लांघकर आगे नहीं जा सकते हम गजानन विजय के इतने समीप आकर तुम रुक नहीं सकते शीघ्रता करो आगे बढ़ो क्या हुआ है गजानन को प्रतीत होता है इस प्रतियोगिता को आप अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे गजानन रावत अपनी तंद्रा से बाहर आओ गजानन हम किसी और को विजयी होने नहीं दे सकते शीघ्रता कीजिए गजानन शीघ्रता कीजिए पुनः प्रारंभ कीजिए अपनी प्रतियोगिता धन्यवाद सोन जी मूषक जी अब आप भी आगे बढ़िए क्या धूमकेतु जैसे आगे निकल गया कैलाश में प्रवेश करने ही वाला हूं और इंद्रदेव अभी भी मेरे पीछे ही हैं। गजानन कहां रह गया अभी तो पीछे था किंतु अब मैं लक्ष्य के इतने निकट आकर गजानन के लिए रुका तो कोई अन्य देव मुझसे आगे निकल जाएंगे इसीलिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा
मुझे क्षण भर का विलंब हो गया, नहीं तो मैं ही विजयी था। मैं विजय हुआ, कोई नहीं है। चंद्रदेव, मैं विजयी हुआ, मेरा वाहन सबसे गतिमान निकला। अरे ये क्या, सूर्यदेव मुझसे आगे। इंद्र को मैंने परास्त कर ही दिया, ऐरावत अभी तक नहीं पहुंचा। अंततः विजय मेरी ही हुई, देवराज इंद्र है अविवादित विजेता। ये तो कुमार कार्तिकेय है, वो तो मुझसे भी पहले पहुंच गए। क्षण भर का विलंब हुआ मुझसे, अन्यथा विजय मेरी ही होती। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। यहाँ हम सबसे पूर्व गजानन, आश्चर्य है, अद्भुत गजानन। माँ, पिताश्री, आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने अपनी परिक्रमा पूर्ण कर ली। भैया, गजानन यहाँ? बधाई हो गजानन। सर्वप्रथम सभी तीर्थों की परिक्रमा संपन्न कर तुम इस प्रतियोगिता में विजयी हुए, और प्रतियोगिता के अंत में तुम्हारे विद्युत समान वेग को देखकर तो मैं चकित ही रह गया। ये कैसे संभव है, मैं तो यहाँ से कहीं गया ही नहीं। भैया देवराज, संसार में सभी कार्य युद्ध और संघर्ष से सिद्ध नहीं होते, कभी कभी प्रार्थना भी सफलता दिला देती है। जो सर्वप्रथम अपने लोग से बाहर आई थी, वही वास्तविक माता संज्ञा है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हाँ गजानन, प्रत्येक पड़ाव पे आप हमारे साथ ही तो थे। आप ही ने तो हम सब देवताओं को राहु के माया जाल से मुक्ति दिलाई थी। और जब हम सभी भ्रमित थे तो वास्तविक सूर्य लोक पहचानने में आपने ही हमारी सहायता की थी। सूर्यदेव,
मूषक जी की धीमी गति के कारण मुझे तो विजय होने की कोई आशा ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा, एक बालक के लिए तो उसके माता पिता ही उसका समस्त संसार होते हैं, और मेरे पिता के उदर में तो समस्त ब्रह्मांड समाता है, तो फिर क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं। बस वही किया है मैंने। जिस क्षण तुमने अपने माता पिता की परिक्रमा प्रारंभ की, उसी पल तुमने प्रतियोगिता में भी भाग ले लिया था। माता पिता के प्रति तुम्हारा स्नेह और भक्ति ने तुम्हारे विश्वास को सत्य में परिवर्तित कर दिया कि उन्हीं के चरणों में तुम्हारा संसार है। जिस क्षण तुम अपने माता पिता की परिक्रमा कर रहे थे, उसी क्षण तुम्हारे प्रतिरूप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। स्मरण करो गजानन, तुम तो वास्तविक रूप में सभी तीर्थों में उपस्थित थे। विशेष रूप से क्षीर सागर की घटना, उसे तुम कैसे भूल सकते हो? ओ हाँ मामा जी, मैंने तो सत्य में ही यात्रा की थी, और इस यात्रा में तुम सफल भी हुए हो, प्रथम आए हो तुम। देवों के देव महादेव, अब प्रथम पूज्य प्रथम देवता की घोषणा का समय आ गया है। निर्धारित नियमों के अनुसार प्रथम पूज्य वही है जिसने इस प्रतियोगिता में विजय पाकर अपनी योग्यता प्रमाणित की है, जीता है गजानन 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 गजानन। किंतु प्रभु, ये तो अनुचित है। हाँ अनुचित है ये, हाँ अनुचित है प्रभु, वो तो यहां से गए ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो कुमार कार्तिकेय के लिए तो ये सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वास्तविकता में इस प्रतियोगिता में पूरे श्रम के साथ वही विजयी हुए हैं। अगर मैं विजयी नहीं हुआ तो मैं किसी और को भी विजयी होने नहीं दूंगा। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, गजानन ने तो प्रतियोगिता में भाग लिया ही नहीं। अनुज गजानन को विजयी घोषित नहीं किया जाना अनुचित होगा। माता पिता के प्रति अपार श्रद्धा दिखाकर सहज विश्वास से किए गए कर्म से उसने हम सभी को पराजित किया है। और हमारे साथ समस्त संसार को यह दिखा दिया कि कैसे अपनी दुर्बलता को भी अपनी शक्ति बनाया जा सकता है। और यह भी मत भूलिए देवगण कि इस प्रतियोगिता में हम सभी पर आने वाली सभी बाधाओं से हमें मुक्त कराने वाला भी गजानन ही था।
अपनी बुद्धि और चतुराई से वो हम सभी का विघ्नहर्ता बना। उसने ये प्रमाणित कर दिया कि यदि भक्ति, बुद्धि और विश्वास हो तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। इसीलिए मेरे पिता महादेव की घोषणा के अनुसार वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। वास्तविक विजेता तो गजानन ही है। जय गणेश देवा माता जा की पार्वती पिता महादेव। प्रतियोगिता में विजयी होने से अधिक महत्वपूर्ण है उसमें भाग लेकर उससे जुड़ी हर कठिनाई को समझना, बुद्धि और चतुराई से हर विघ्न को पार करना एवं प्रतियोगिता के पूर्ण हो जाने तक प्रयासरत रहना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.